पृष्ठ संख्या 20, पाठ 4, प्राचीनतम नगरों की गाथा, हड़प्पा की सभ्यता। सिंधु नदी की घाटी में तब पहले पहले शहर बसे थे। सभ्यता वो थी बहुत प्राचीन, पर तकनीक लगती नवीन। ईंटों के पक्के मकान थे, पानी के विशाल हमाम थे, ढकी नालियां थी निकास की, और सड़कें चौड़ी पक्की थीं। वहां गढ़ी एक ऊंची थी, अन्न रखने को धान्यगार था, खेती तब होती थी हल से, घरों में जानवर भी थे पलते। हाँ, घरों में जानवर भी थे पलते। इन नगरों की खोज किस प्रकार हुई थी? भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगर हड़प्पा सभ्यता के शहर हैं। इन नगरों का विकास लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। लगभग 150 वर्ष पूर्व, जब अंग्रेजों द्वारा पंजाब में पहली बार रेल लाइनें बिछाई जा रही थीं, तब इंजीनियरों को खुदाई करते हुए आज के पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा के स्थल का पता लगा। उन्हें ये एक ऐसे टीले जैसा लग रहा था जो अच्छी गुणवत्ता की बनी बनाई ईंटों का समृद्ध स्रोत था। इसलिए उन्होंने इस शहर की पुरानी इमारतों की दीवारों से हजारों ईंटें रेल लाइन के निर्माण के लिए निकाल ली। इसके परिणाम स्वरूप शहर की अनेक इमारतें या ढांचे पूरी तरह से नष्ट हो गए। इसके बाद लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों द्वारा उस स्थल की खुदाई की गई। तब उन्हें पता लगा कि ये शहर इस उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों में से एक था। चूंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई थी, अतः जिन अन्य स्थानों पर ऐसे ढांचे और अन्य अवशेष मिले, उन्हें भी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मान लिया गया। इस पृष्ठ पर एक मानचित्र है जिसमें उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर दिखाए गए हैं। स्रोत हमारे अतीत, एक एनसीईआरटी, पृष्ठ 33। भारत में शहरी जीवन की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से हुई। पुरातत्व विज्ञानियों ने इस प्राचीन सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि इस सभ्यता से जुड़ी हुई अन्य चीजें सिंधु घाटी में पाई गईं। हड़प्पा शहर आज पाकिस्तान में स्थित है। भारत में हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष कुछ शहरों जैसे कि चंडीगढ़ के पास रोपड़ में, अहमदाबाद के पास लोथल में, राजस्थान के कालीबंगा में और सिंध प्रांत के कोट दीजी में मिले हैं। इन नगरों की क्या विशेषता थी? इनमें से अनेक नगर दो या अधिक भागों में बटे थे। सामान्यतः पश्चिम की ओर का भाग छोटा लेकिन अधिक ऊंचा था। पृष्ठ संख्या 21। पुरातत्व विज्ञानियों के अनुसार ये नगर दुर्ग या गढ़ी था। प्रायः प्रत्येक भाग के चारों ओर पक्की ईंटों की दीवारें बनाई गई थीं। कुछ नगरों के नगर दुर्गों में विशेष भवन बनाए गए थे। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो में एक विशाल हौज बनाया गया था, जिसे विशाल स्नानागार यानी हमाम कहते थे। संभवतः लोग विशेष अवसरों पर इसमें डुबकी लगाते थे। अन्य नगरों जैसे कालीबंगा और लोथल में अग्निवेदियां थीं। कुछ शहरों जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में बड़े बड़े भंडार घर थे। पृष्ठ 21 पर कुछ चित्र हैं। चित्र 1 में मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के अवशेष दिखाए गए हैं।
चित्र 2 में हड़प्पा के नगरों में दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई का नमूना दिखाया गया है। स्रोत हमारे अतीत 1 NCERT पृष्ठ 34। नगर दुर्ग अर्थात शहर के अंदर या उसके निकट स्थित किला जहां से पूरा शहर दिखाई देता है। हड़प्पा के नगर 2 भागों में बटे हुए थे। ऊंचे चबूतरे पर बसे हुए ऊपरी भाग संभवतः गढ़ी या नगर दुर्ग थे। इस भाग में सार्वजनिक भवन, धान्यागार, कार्यशालाएं और धार्मिक इमारतें थीं। नगर दुर्ग में सबसे प्रभावशाली इमारतें धान्यागारों की थीं। वे बड़ी सावधानी से आयताकार रूप में बनाई गई थीं। नगर का दूसरा भाग जो काफी बड़ा था निचले हिस्से में था। यहाँ लोग रहते थे और अपना अपना काम धंधा करते थे। यदि नगर पर हमला होता या बाढ़ का खतरा बढ़ जाता तो लोग गढ़ी में जाकर शरण लेते थे। पृष्ठ 22। इस पृष्ठ पर 3 चित्र हैं। पहले चित्र में सड़क दिखाई गई है, दूसरे चित्र में कुआं दिखाया गया है और तीसरे चित्र में एक मुहर अंकित है। स्रोत हमारे अतीत 1 NCERT पृष्ठ 35। घर, नालियां और सड़कें। सामान्यतः घर 1 या 2 मंजिला होते थे जिनमें कमरे आंगन के चारों ओर बने होते थे। अधिकांश घरों में स्नान घर अलग हिस्से में होते थे और कुछ में जल की आपूर्ति के लिए कुएं होते थे। इनमें से अनेक शहरों में ढकी नालियां थीं। प्रत्येक नाली में हल्की ढलान होती थी जिससे पानी आसानी से बह जाता था। अक्सर घरों की नालियां सड़कों की नालियों से जुड़ी रहती थीं और छोटी नालियां बड़ी नालियों में खुलती थीं। घर, नालियां और सड़कें तीनों की योजना संभवतः एक साथ बनाई जाती थी। मकान ईंटों के बने होते थे और उनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती थीं। दीवारों पर प्लास्टर और रंग किया जाता था। छतें सपाट होती थीं। खिड़कियां कम, दरवाजे अधिक होते थे। दरवाजे शायद लकड़ी के बने होते थे। रसोई में एक चूल्हा होता था और वहीं पर धान्य तथा तेल रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े घड़े रहते थे। रसोई के पास ही नाली या मोरी होती थी। स्नानागार मकान के एक अलग हिस्से में बनाए जाते थे और उनकी नालियां सड़क की नाली से मिली होती थीं। सड़क की नाली सड़क के किनारे किनारे चलती थी ताकि उसे साफ रखा जा सके। नालियां पत्थर की सिलों से ढकी रहती थी। नगरीय जीवन। नगर की इमारतों की योजना संभवतः शासक वर्ग द्वारा बनाई जाती थी। संभवतः शासक वर्ग धातु, रत्न, मणियां और अन्य वस्तुएं लाने के लिए अपने आदमियों को दूर दूर तक के इलाकों में भेजते रहे होंगे। ये लोग सुदूर देशों से लौटने पर अभीष्ट सामग्री या सामान के साथ साथ विभिन्न कहानियां भी लेकर आते थे। उनके पास यहाँ ऐसे लोग थे जो लिखना जानते थे, जो मुहरें तैयार करने में सहायता करते थे और संभवतः अन्य प्रकार की सामग्री पर भी लिखते थे जो अब मौजूद नहीं है। हड़प्पा की एक मोहर। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह खास लिपि में थे। ये इस उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का एक प्राचीनतम उदाहरण है। पृष्ठ संख्या 23। पृष्ठ संख्या 23 पर 2 चित्र हैं। इन दोनों चित्रों में मिट्टी के खिलौने दिखाए गए हैं। स्रोत हमारे अतीत 1 NCERT पृष्ठ 35 और 38। इनके अतिरिक्त ऐसे पुरुष और महिलाएं शिल्पकार आदि भी थे जो या तो अपने घरों में अथवा विशेष कर्मशालाओं में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। टेराकोटा के ऐसे अनेक खिलौने पाए गए हैं जिनसे अवश्य ही बच्चे खेलते होंगे। नगरों में लोगों के लिए भोजन। जहां अनेक लोग नगरों में रहते थे वहीं अन्य लोग गांवों में रहकर फसल उगाते थे और पशुपालन करते थे। ये किसान और पशुपालक नगरों में रहने वाले शिल्पकारों, लिपिकारों और शासकों को भोजन सामग्री प्रदान करते थे। तत्कालीन पेड़ पौधों के अवशेषों से
हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, अलसी और सरसों उगाते थे। मिट्टी की जुताई करने और बीज बोने के लिए हल नामक एक नए उपकरण का इस्तेमाल शुरू हो गया था। यद्यपि उस समय के वास्तविक हल, जो संभवतः लकड़ी के बने होते थे, आज मौजूद नहीं है, लेकिन उन हलों के खिलौनों के प्रतिरूप आज भी उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में क्योंकि अधिक वर्षा नहीं होती थी, अतः किसी न किसी प्रकार की सिंचाई प्रणाली रही होगी। इसका अर्थ है कि जल का भंडारण किया जाता था और पौधों के उगने की अवधि में खेतों में पानी की आपूर्ति की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी और भैंस पालते थे। बस्तियों के आसपास पानी और चरागाह उपलब्ध थे। तथापि शुष्क गर्मियों के महीनों में जानवरों के बड़े झुंडों को घास और पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर आदि फल भी एकत्रित करते थे, मछली पकड़ते थे और हिरण जैसे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मनोरंजन के साधन क्या थे? बच्चों के लिए कई प्रकार के खिलौने उपलब्ध थे। शायद आजकल के इक्कों से मिलती जुलती मिट्टी की छोटी गाड़ियां, जो शायद बड़ी बैलगाड़ियों की नकल थी। पशुओं की आकृति के खिलौने भी थे, जिनको कठपुतलियों की तरह डोर से खींचा जा सकता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के भोजन में विविधता थी। वे चक्कियों में जौ और गेहूं को पीसकर रोटी पकाते थे और चावल भी खाते थे। दालों की जानकारी उन्हें थी। वे फल भी पसंद करते थे। मांस और मछली भी उनके भोजन का एक हिस्सा था। पृष्ठ संख्या 24। इस पृष्ठ पर दो चित्र हैं, जिनमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त आभूषण दर्शाए गए हैं। हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी कैसे मिली? आइए कुछ ऐसी वस्तुओं की जानकारी लें जो हड़प्पा समूह के नगरों में पाई गई थीं। पुरातत्व विज्ञानियों द्वारा पाई गई अधिकांश वस्तुएं पत्थर, सीपी, पतांबा, कांसा, सोना और चांदी जैसी धातुओं की बनी हुई थीं। तांबे और कांसे का उपयोग औजार, हथियार, आभूषण और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। सोने और चांदी का उपयोग भी आभूषण और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। इसमें संभवतः अधिक उल्लेखनीय वस्तुएं मनके, बाट और ब्लेड हैं। हड़प्पा के लोगों ने पत्थरों की मुहरें बनाई। ये सामान्यतः आयताकार हैं। हड़प्पा के लोगों ने खूबसूरत काले डिजाइन वाले बर्तन भी बनाए थे। कपास को शायद 7000 वर्ष पूर्व से ही मेहरगढ़ में उगाया जाता था। एक चांदी के फूलदान के ढक्कन से जुड़े कपड़े के वास्तविक अंश और कुछ तांबे की वस्तुएं मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली थी। पुरातत्व विज्ञानियों को वहां टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी और कांच जड़े फायांस के बने तकुए के चक्के मिले हैं। गुजरात में हड़प्पा समूह के नगर। कच्छ के रण में खादर बेट पर धौलावीरा नगर का पता चला है, जहां पर ताजा जल और उर्वर जमीन थी। हड़प्पा समूह के कुछ अन्य नगरों के विपरीत, जो दो भागों में बटे रहते थे, धौलावीरा तीन भागों में बटा था। प्रत्येक भाग भारी पत्थर की दीवारों से घिरा था, जिनमें विशालकाय द्वारों से प्रवेश किया जाता था। बस्ती में बड़ा खुला मैदान भी था, जहां जन समारोह होते थे। यहां पाई गई अन्य चीजों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर शामिल हैं, जिन्हें सफेद पत्थर पर उकेरा गया था और संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक विशिष्ट खोज है, क्योंकि सामान्यतः हड़प्पा की लिपि छोटी छोटी वस्तुओं जैसे मुहरों आदि पर पाई गई है। लोथल शहर गुजरात में खंबात की खाड़ी के निकट साबरमती की सहायक नदी के तट पर स्थित था। ये ऐसे क्षेत्रों के निकट बसा था, जहां कच्चा माल जैसे कम कीमत वाले रत्न आसानी से उपलब्ध थे। ये पत्थर, सीपी और धातुओं से वस्तुएं बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र था। शहर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में अनेक मुहरों और मिट्टी पर मुहरों की छाप यानी मुद्रांकन पाई गई हैं। एक गोदी क्षेत्र भी पाया गया है। इससे ज्ञात होता है कि लोथल से विदेशों में व्यापार भी किया जाता था।
यहाँ पाई गई ये इमारत संभवतः मनके बनाने की कर्मशाला थी। पत्थर के टुकड़े, अर्ध निर्मित मनके, मनके बनाने के औजार और पूर्ण निर्मित मनके भी यहाँ पर पाए गए हैं। पृष्ठ 25। हड़प्पा समूह के नगरों का पतन। हड़प्पा समूह के नगरों के पतन के बारे में कुछ विद्वान ये बताते हैं कि ऐसा नदियों के सूख जाने के कारण हुआ। कुछ का विचार है कि वनों के नष्ट हो जाने से, यानी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई या निर्वनीकरण से ऐसा हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि ईंटों को पकाने के लिए और तांबे के अयस्कों को गलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती थी। साथ ही गाय, बैल, भेड़, बकरी के विशाल झुंडों द्वारा चराई से भी शायद वनों की हरियाली नष्ट हो गई होगी। कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इनमें से किसी भी एक कारण को सभी शहरों के अंत का कारण नहीं समझा जा सकता है। बाढ़ आने या नदी के सूखने का असर सिर्फ कुछ क्षेत्रों में ही हो सकता है। ये भी संभव है कि शासक वर्ग का प्रभुत्व समाप्त हो गया हो। कारण कुछ भी रहा हो, परिवर्तन का प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट है। सिंध और पश्चिम पंजाब, यानी आज का पाकिस्तान, वीरान हो गए, जबकि अनेक लोग पूर्व और दक्षिण में नई और अपेक्षाकृत छोटी बसी बस्तियों में चले गए। नए नगर लगभग 1400 वर्ष बाद अस्तित्व में आए। आप आगे की कक्षाओं में उनके विषय में पढ़ेंगे। आओ याद करें। 1. हड़प्पा समूह के शहर कब फले फूले थे? 2. हड़प्पा समूह के शहरों का क्या महत्व था? 3. पुरातत्व विज्ञानियों को ये कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र का उपयोग किया जाता था? आओ चर्चा करें। 4. चर्चा कीजिए कि हड़प्पा समूह के शहरों में खाद्यान्नों की आपूर्ति करने वाले किसान का जीवन उन आरंभिक मनुष्यों के जीवन से किस प्रकार भिन्न था जो खेतीबाड़ी करते थे। 5. अक्सर नई इमारतों के निर्माण के लिए पुरानी इमारतों को गिरा दिया जाता है। चर्चा कीजिए कि क्या पुरानी इमारतों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। 6. शहर और गाँव में क्या समानताएं और क्या क्या अंतर हैं? हड़प्पा समूह के शहरों को किस आधार पर शहरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? आओ करके देखें। आपके क्षेत्र में भी पुरानी इमारतें होंगी। पता कीजिए कि वे कितनी पुरानी हैं और उनकी देखभाल कौन करता है।
ईंटों के पक्के मकान थे, पानी के विशाल हमाम थे। ईंटों के पक्के मकान थे, पानी के विशाल हमाम थे। ढकी नालियां थी निकास को, ढकी नालियां थी निकास को। और सड़कें चौड़ी पक्की थी, और सड़कें चौड़ी पक्की थी। सिंधु नदी की घाटी में तब पहले पहले शहर बसे थे, पहले पहले शहर बसे थे। रखने को धान्यगार था, अन्न रखने को धान्यगार था। खेती तब होती थी हल से, खेती तब होती थी हल से। घरों में जानवर भी थे पलते, घरों में जानवर भी थे पलते। सिंधु नदी की घाटी में तब पहले पहले शहर बसे थे, पहले पहले शहर बसे थे।